किसी भक्त के प्रति अपराध मत करना, सब करना, किसी ठाकुर के प्रेमी से हिंसा मत रखना, ईर्ष्या मत रखना, नहीं तो तुम्हारी हजार पूजाएं, हजार आरतियां और हजार रुद्राभिषेक और हजार छप्पन भोग एक काम ना आएंगे अगर तुम्हारे हाथों से वैष्णव गुरु अपराध हो गया। जीवन में अगर ठाकुर की कृपा चाहते हो तो गुरु अपराध मत करना। यही तो गोपियों ने पूछा था कि किनको क्षमा नहीं करते ठाकुर जी। अब तो इतनी जल्दी जल्दी थी कि हम कुछ कथा भी ना सुना पाए महाराज, ये तो ऐसे मौज से सुनाते सारी कथा। तो भगवान ने कह दिया ना कि गुरु द्रोहियों को मैं कभी क्षमा नहीं करता। दिव्याति दिव्य भाव से वापस आ गए हैं गुरु से ज्ञान लेकर के। इधर कश्मीर से बृहस्पति जी का शिष्य उद्धव भी आ गया है और भगवान जब से आए हैं यहां पर ठाकुर जी पहले जितने चंचल थे अब उतने ही गंभीर हो गए हैं। न ठाकुर किसी से बात करते, न किसी की ओर ज्यादा देखते। वो जो चंचलता थी नंद नंदन की, वो चोरी, वो दौड़ना, वो सिंगी बजाना, वो बंसी बजाना, वो लूटना, वो सब बंद। श्री कृष्ण मानो एक राजकुमार की तरह, राजकुमार तो हो ही गए थे, न किसी से बात करते, न किसी की ओर देखते। देव की मैया परेशान रहती। एक दिन देव की मैया कृष्ण और बलराम को बिठाकर महाराज थाली में लाई, उनके लिए भोजन लाई। जैसे ही कपड़ा उठाया मैया ने माखन और मिश्री रखे थे, जैसे ही देखा श्याम सुंदर ऐसे ही रोज याद करते रहते थे ब्रज को, जैसे ही देखा कि यहां पर माखन और मिश्री है उनकी आंखों में आंसू आ गए और भैया बलराम को पकड़ के रोने लगे। कहा दादा कह दो मैया को देवकी को कि सब कुछ दे पर मुझे माखन मिश्री न दिया करे, मुझे माखन मिश्री नहीं चाहिए, माखन मिश्री देख के मेरी यशोदा मुझे याद आती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी यशोदा मुझे याद आए। महाराज बहुत रोते हैं। आप जब बलराम जी लेकर जाने लगे वो भी रोने लगे, उनको भी ब्रज की याद आ गई, मैया देवकी रोने लगी, दौड़ के गई वसुदेव के पास। देखो देखो दोनों लाला कैसे करते हैं, क्या मैं इनकी मां नहीं हूं, ये रोने लगते हैं, मैं क्या करूं इनके लिए। उन्होंने देखा वसुदेव जी भी नहीं जा पाते, महाराज दौड़ कर गए उद्धव के पास। उद्धव कृष्ण तेरा अंतरंग मित्र है, एक केवल तेरे से ही बात करता है कुछ, अरे जाओ जाओ देखो क्यों रो रहे हमारे लाल। उद्धव दौड़ के आए, हे श्री कृष्ण क्यों रोते हो, क्या बात है, कौन सा दुख है आपको, क्या तकलीफ है। भगवान कहते हैं उद्धव इधर आ, और ले जाते हैं अटारी पे। बोला देख जमुना जी दिखाई पड़ रही है तुझे। बोला हाँ। बोला देख जमुना में कोई लहर दिखाई पड़ रही है, कोई तेजी दिखाई पड़ रही है तुझे, जमुना में कोई चंचलता दिखाई पड़ रही है तुझे। अगर आज के 2 वर्ष पहले तू आया होता और इन जमुना की तरंग देखता तो समझ जाता, अरे उद्धव ब्रज में सब विरही लोग हैं, मेरी मैया बहुत रोती है मेरे बिना, मैं परसों कह के आया था पर मुझे बरसों तक नहीं जाना, मैं ये जानता हूं। उद्धव कुछ तो ऐसा करो। बोला मैं क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि तुम मत रो, हे कृष्ण मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। उद्धव बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण को, प्राण है उद्धव के, कृष्ण सब देख सकता हूं पर तुझे रोते हुए नहीं देख सकता, बताओ ना नाथ मैं क्या करूं। कहा अगर तुम चाहते हो ना कि मैं ना रो तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान सथे उभयाम्यहम्, अगर मेरी गोपियां, मेरे ग्वाल, मेरी मैया, मेरे बाबा, मेरी गैया मेरे लिए नहीं रोएंगे ना तो मैं भी नहीं रोऊंगा, और अगर ये लोग मेरे लिए रोते रहेंगे तो मैं भी रोता रहूंगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाता हूं, मैं समझा के आ जाता हूं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, जाऊंगा उनको ज्ञान दे दूंगा कि कृष्ण कोई साधारण आदमी नहीं, साधारण बच्चे नहीं, वो ब्रह्म है, वो कण कण में पाए जाते हैं, वो किसी के बेटे नहीं, वो दुनिया के पिता हैं। श्री कृष्ण देखते हैं उद्धव की तरफ। श्री कृष्ण उद्धव से भी बहुत प्यार करते हैं। उद्धव ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, लेकिन सूखा सूखा है। ज्ञान बहुत है उसके पास पर भक्ति का रस नहीं है। भगवान सोचते हैं एक पंथ दो काज कर देता हूं कि उद्धव को भी रस मिल जाए। भैया वो गुलाब जामुन है लेकिन सूखा गुलाब जामुन है। गोपी ग्वाल क्या है, ब्रज का रस कैसा है, कहा ब्रज का रस बहुत मीठा है, कहा इस सूखे गुलाब जामुन को अगर ब्रज के रस में डाल दो तो उद्धव ही तो मेरे साथ सदा रहेगा, तो कम से कम अपने दिल की बातें इसको कह सकता हूं। अभी तो मेरे दिल की बातें भी समझने वाला यहां कोई नहीं, मेरा कोई एक मित्र नहीं, ये है भी तो इतना ज्ञानी है। अपानी अपादर, आप तो कुछ होते नहीं, आपका पांव नहीं, आपका हाथ नहीं, आप भगवान हो, आप ज्ञानी हो, ये प्रेमी नहीं समझता,
कैसा ज्ञान है इसका। भगवान बहुत रोते हैं, कहते उद्धव देखो अभी गोधूली का बेला है और अभी ना अभी हम सब गैया, और ये बोलते बोलते कहते हैं ए मधुमंगल कहां जा रहे हो, ए इधर आ, ए सुदामा वो गैया ले आ। उद्धव घबराए, श्याम सुंदर कृष्ण क्या कर रहे हो। कृष्ण फिर होश में आते हैं, बिसर जाते हैं, ये सप्तम स्थिति में आ गए, पंचम स्थिति में कृष्ण भी बिसर गए। उनको लगा जैसे मैं वही हूं, जैसे ही गोधूली याद आया लगा मैं गैया लेके आ रहा हूं। श्री कृष्ण को हिलाया है उद्धव, श्री कृष्ण ऐसे मत करो, तुम कहो तो मैं अभी जाने को तैयार हूं, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बहुत भगवान भेज देते हैं सबके लिए अलग अलग संदेश देना, उद्धव सबको संदेश देना, मेरा संदेश उद्धव कहना मेरी मैया से जाके कि मैया सब तो अच्छा है लेकिन जब से मथुरा आयो हो ना तब से हमारो मुख को गरम जैसे कोई अपने अचरा से नाई पोछे हो। पता है उद्धव जब मैं कभी भी गैया चरा के आता ना तो मेरी यशोदा मैया गरम जल करके रखती और अपनी गोद में बिठा के अपनी साड़ी की पल्लू से उसमें जल लगा के मेरे मुख को खूब अच्छे से पोछती, मुख पोछ के और मुझे तुरंत कलेव करा देती। मेरी मां को कहना कि अब मुझे मथुरा आने के बाद यहां आज तक मेरा मुख कोई पोछने वाला नहीं है। उद्धव जाओ जाकर मेरी प्यारी गोपियों को कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूं लेकिन अगर वो चाहती है कि मैं सुखी रहूं तो मेरे वियोग में रोया ना करें क्योंकि वो जब तक रोएंगी मुझे भी रोना पड़ेगा। मेरे छोटे छोटे ग्वाल बाल सखा हैं उनको कह देना कि कन्हैया को अभी बहुत काम है, बड़े बड़े राक्षसों का वध करना है, कुछ दिना की मुझे और छुट्टी दे दे मैं फिर आऊंगा। सबके लिए भगवान ने संदेश भेजा है उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल तन आवत सघन त्रिरन की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दही सजाओ अति साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। जाके कह देना मेरी मां से कि उद्धव मेरी मैया मैं बहुत जल्द आऊंगा। उद्धव रोते हुए निकलते हैं, कृष्ण तुम चुप रहो, मैं दो घंटे में आ जाऊंगा सबको समझा के, दो घंटे लगेंगे बस, मैं उद्धव हूं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, ऐसा ज्ञान दूंगा।